नमस्कार, एनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कस्बा आलीपुर खेड़ा में सुपालपुर स्थित बनवारी लाल स्मारक इंटर कॉलेज में लोधी समाज की बैठक संपन्न हुई। इसका मुख्य उद्देश्य समाज को एकजुट रखना है, राजनीति में संगठन की बड़ी पकड़ बनाए रखना है। देखिए हमारे संवाददाता शिवचरण राजपूत की ये रिपोर्ट। कस्बा आलीपुर खेड़ा के शिवपालपुर स्थित बनवारी लाल स्मारक इंटर कॉलेज में लोधी समाज की बैठक हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा राजनीति एकता संगठन पर विचार किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मास्टर मंत्रा प्रसाद ने की, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की। संजीव कुमार एडवोकेट ने कहा, समाज में शिक्षा की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। समाज उसी पार्टी का साथ देगा जो समाज के हित की बात करेगा। हाकिम सिंह लोधी ने कहा, समाज की एकता की आवश्यकता है। जिस समाज में एकता नहीं, उसे कोई पार्टी जगह नहीं देगी। समाज जब एक होगा, तभी सभी पार्टी बुलाकर समाज में टिकट देने का कार्य करेगी। और सम्मान में वासुदेव राजपूत ने कहा, सम्मान तभी मिलेगा जब समाज शिक्षित राजनीतिक सामाजिक स्तर पर मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनप्री। लोधी समाज की जो बैठक, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? महोदय, इस संगोष्ठी का अभिप्राय सीधा सीधा मैनपुरी मैं लोधी समाज की जो अनदेखी हो रही है, लोधी समाज के अस्तित्व को नकारा जा रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने ये जो गोष्ठी का विचार किया। ये गांव-गांव जाकर हम अपने समाज को जागृत करेंगे कि राजनीतिक दलों में जो होने वाली अनदेखी है, इससे हम कैसे लड़ेंगे, इससे कैसे हम अपने समाज का भला कर पाएंगे। इन तथ्यों पर और हमारी पिछड़ी शिक्षा पर तथा समाज में फैली हुई कुरीतियों पर ये चर्चा हुई। जी ये क्या हर महीने मीटिंग होगी? जी, इस आंदोलन को हमें जन जन तक, हर गांव में, अपने समाज के हर व्यक्ति को से रूबरू कराना है कि हमारी ये जो राजनीतिक हिस्सेदारी है वो सुनिश्चित करें। ये राजनीतिक दल हमारा कोई अपना दल नहीं है, जो हमारे समाज को तवज्जो देगा, जो हमारे समाज को बरीता देगा, हम उसी दल के साथ रहेंगे। ठीक, ये बैठक जो हुई है लोधी समाज के, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे लोधी समाज में जो कुरीतियां फैली हैं, इसको खत्म करना है और जितनी कुरीतियां हैं बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंकना है। जैसे शिक्षा बहुत कम है लोधी समाज में, वो जागृत करने, जो शिक्षक हैं वो सभी जिले भर एक साथ में हैं और ऐसी अलग जगह हैं, जो विद्यालय वाले हैं, भाई एजेंट सिंह जी हैं, उदय प्रताप हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि समाज को निःशुल्क शिक्षा देंगे और शिक्षित बना के समाज में जितनी विसंगतियां हैं, कुरीतियां हैं, इन्हें बिल्कुल मुक्ति दिलाना है। ये मुख्य उद्देश्य बैठक का ये था। दूसरे, हमारे समाज में जो अन्य समाज के लोगों द्वारा प्रताड़ना दी जाती है या प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो ये संगठन अवंतीबाई लोधी महासभा और जो भी हमारे भाई साथ संगठन चला रहे हैं, वो समाज के लिए एकजुट होके एक साथ मिलकर आज क्या क्या विचार हुए? आज विचार ये हुए हैं कि जितने भी झूठे मुकदमे लिखाए जा रहे हैं जिन जिन के खिलाफ, उनके लिए हम लोग ये साबित करके देंगे कि ये, जैसे अलीपुर खेड़ा में गुड्डू भाई को झूठा मुकदमा लगा है, बिल्कुल झूठा है, कटेरिया महोदय जी ने लिखवाया है, उसमें हम हाई कोर्ट तक जाएंगे और उन्हें न्याय दिलाएंगे। सारा समाज उनका साथ देगा। जितने झूठे मुकदमे लग रहे हैं, मैं उन मुकदमों को न्याय दिला के ही रहूंगा। ऐसे हमारे साथ भाई हाकिम सिंह जी हैं। नहीं, शिक्षा के विषय में भी बात हुई है? शिक्षा के विषय में बात ये हुई कि उदय प्रताप जी ने कहा है कि हम 10-10 की टोली, जो हमारे समाज में संगठित लोग हैं और संभ्रांत लोग हैं, इन लोगों से कह के 10-10 टोली बना के 100 लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। और हमारे गुरुजी आरसी वर्मा जी ने कहा है, वे भौतिक विज्ञान के बहुत अच्छे, मतलब जो प्रवक्ता हैं, संतोष राजपूत जी केमिस्ट्री के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा हम निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाएंगे। दोनों लोग इस समय नेशनल इंटर कॉलेज में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। हमारे आरसी वर्मा जी, आरपी सिंह जी, संतोष राजपूत जी, ये अध्यापक हैं और बहुत अच्छे अध्यापक हैं। ठीक।